उत्तर प्रदेश के खुशहाल किशोर, बढ़ती उम्र के साथ उनके कुछ सवाल हैं। किशोरावस्था में कुछ ऐसा होता है जैसे कि बच्चे हस्त मैथुन या स्वप्न दोष, वो कुछ समझने ऐसा लगते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी तो नहीं उत्पन्न हो रही है। जब हमको पीरियड आया था पहली बार तो हमको मम्मी को बतानी पड़ी थी, तब हम बहुत परेशान हुए, हम तो रोने लगे थे बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे घबराहट होने लगी कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। किशोरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है पोषण में सुधार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, गैर संचारी रोग की रोकथाम, चोटों और हिंसा को रोकना, पदार्थ के दुरुपयोग पर रोक। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरों के लिए एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक बनाए गए हैं। अब ये क्लिनिक साथिया क्लिनिक के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ किशोरों के लिए काउंसलर भी उपलब्ध होते हैं। कोई वो बता नहीं पाते हैं किशोर या किशोरी हैं, कोई चीज कह नहीं पाते, उनको बुला के अपने पास कमरे में अलग बिठा के उनको समझाते हैं और बताते हैं स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम वहाँ साथिया केंद्र में भेजते हैं उनको। हमारे यहाँ साथिया क्लिनिक संचालित है जिसमें कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो आती हैं, अपनी कई तरह की प्रॉब्लम लेके आती हैं, जैसे डिस्चार्ज पीवी है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पूछना चाहती हैं। साथ में कभी कभी उनको काफ़ी अनीमिया होता है, उसकी भी काउंसलिंग हम लोग अर्श काउंसलिंग करती है। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हमको तो जजमेंटल होना ही नहीं है, हम लोग यहाँ पर उनको सेवाएँ देने के लिए हैं, ना कि उनकी गलती गिनाने। पीयर एजुकेटर एक अहम भूमिका निभाते हैं किशोरों की जिंदगी में। पीयर एजुकेटर हम उम्र होते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे की बात आसानी से समझ जाते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अभी जनपद के 10 से ज्यादा ब्लॉकों में लगभग हमारे पीयर एजुकेटर की चयन चिन्हित किए जा चुके हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है किशोर से संबंधित मुद्दों पर। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम समय समय पर जागरूकता अभियान भी करता है। हम लोग क्या ASD प्रोग्राम होता है किशोर स्वास्थ्य दिवस, ये वर्ष में 4 बार मनाया जाता है और जो हमारे पीयर उपकेंद्र हैं उन्हीं उपकेंद्रों पे ये मनाया जाता है। जो आसपास के जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियाँ 10 साल से 19 साल तक के बीच के, वो बच्चे भी आते हैं, हम उनके माता पिता को भी बुलाते हैं। हमें किशोर स्वास्थ्य दिवस या आउटरीच एक्टिविटी की ज़रूरत इसलिए है कि सभी लोग हमारे CSC सेंटर पर पहुंच नहीं पाते हैं। किशोरों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम दिवस के अंतर्गत स्कूल और कॉलेजों में किशोर स्वास्थ्य मंच का भी आयोजन किया जाता है। अब मुझे जानकारी है, मैं अपने हम के किशोर किशोरियों को सबको जागरूक करती हूँ और उनकी हर समस्या का समाधान करती हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश का हर किशोर स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा और उत्तर प्रदेश की प्रगति का हिस्सा बनेगा। हर जंग में जीत भर सकते हैं, हम जब साथ हो तो लहरों में गीत भर सकते हैं। हम ये भी